ऐसे ही हम क्या करेंगे एक जो है, कर लेंगे, जो की नहीं है। हम मान लेते हैं कि जो क्वार है वो साइक्लिक नहीं है ठीक है तो उसके लिए देखो अगर वो साइकिल क्वारेटर नहीं है तो देखो तीन पॉइंट्स जो तो जो है हमारे पास वो तो सर्कल पर लाइक करेंगे और फोर्थ पॉइंट या तो अंदर होगा सर्कल से या फिर बाहर होगा हम मान लेते हैं कि वो पॉइंट बाहर है तो साइक्लिक सॉरी क्वाड्रिलेटरल कुछ इस टाइप से हो जाएगा हमारे पास हम कह सकते हैं कि इन दोनों लाइंस को भी हम अगर ज्वाइन कर दें तो ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल आ गया देखो ए पॉइंट हो गया बी पॉइंट हो गया सी पॉइंट हो गया एंड डी पॉइंट हो गया ठीक है अब हम हमें गिवन है कि एंगल अपोजिट एंगल्स 180 डिग्री तो एंगल बी एंगल बी प्लस एंगल डी एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री गिवन है हमें देखो गिवन की बात कर रहे हैं और एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू वन एटी डिग्री डिग्री ये हमें प्रूव करना है ठीक है अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारे पास ये डी डैश पॉइंट है डी डैश पॉइंट है तो हम अगर ज्वाइन कर दे इन दोनों लाइन दोनों पॉइंट्स को डी डैश को और सी को तो डी डैश सी बी और ए जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो है हमारे पास एंगल्स का सम कितना होता है एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा दूसरा हमें गिवन है कि एंगल बी प्लस एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री फर्स्ट इक्वेशन हो गई सेकंड इक्वेशन तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी तो एंगल बी प्लस एंगल डी डैश विल बी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी एंगल बी से एंगल बी को कैंसिल आउट कर देस इज इक्वल टू एंगल डी आ गया अब अगर हम बात करें इन ट्राएंगल ये डी डैस एंगल हो गया हमारे पास ये एंगल डी है और ये हमारे पास एंगल हम मान लेते हैं कि एंगल वन है तो एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी होती है हमारे पास हम कह सकते हैं कि एंगल डी डैस इन ट्राइंगल देखो इन ट्राइंगल डी डे डी और सी की बात कर रहे हैं डी डैस विल बी इक्वल टू एंगल डी प्लस एंगल वन एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, ठीक है हम कह सकते हैं कि हाँ पर एंगल 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 है, तो D के इक्वल सकते हैं हम इसे प्लस वन की जो वैल्यू आ गई वो जीरो डिग्री आ गई और एंगल वन की जीरो डिग्री तभी पॉसिबल है जब डी जो है डी डैश के साथ कौन साइड को इन साइड करे तो हम कह सकते हैं इफ एंगल इज इक्वल टू जीरो डिग्री देन D will coincide, D will coincide, coincide with the D dash, with the D dash. Hence, ABCD will be cyclic quadrilateral or cyclic.

हमारे पास लेटर सपोज कि कुछ ये हमारे पास सर्कल हो गया ठीक है आर्क की बात करें तो हमने मान लिया कि ये पी पॉइंट है हमारे पास और ये क्यू पॉइंट है और ये ओ सेंटर है हमारे पास तो एक तो एंगल सेंटर के साथ जो है ये आर्क एंगल बनाएगी वो तो एंगल ये हो जाएगा हमारे पास ठीक है ओ क्यू दूसरा हम बात करें तो हमने आर पॉइंट यहां पर मान लिया कि आर पॉइंट है ये तो पी आर को ज्वाइन कर देते हैं सर्कम पर हमने पॉइंट ले लिया एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल की बात कर रहे हैं तो ये यहाँ पर आर पॉइंट हो गया हमारे पास तो एंगल ये जो है और इस एंगल के बीच में रिलेशन की बात करनी है तो हम ओ आर को ज्वाइन कर देते हैं ओ आर को ज्वाइन कर देते हैं हम और दूसरा एक चीज और करते हैं हम कि एंगल वन नाम दे देते हैं इसे ये एंगल टू ये एंगल थ्री ये जो है एंगल फोर नाम दे देते हैं ये एंगल फाइव नाम दे देते हैं ये एंगल सिक्स तो अब अगर हम बात करें देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू तो 180 डिग्री होता है तो इन ट्रायंगल पी ओ आर इस की बात करें तो इन पी ओ आर हम कह सकते हैं कि तीनों ले लिए, इनका सम कितना होगा? 180 होगा, ठीक है? और अब देखो अगर हम बात करें ओ पी की ओ पी किसके इक्वल होगी ओ आर के इक्वल होगी क्यों होगी बिकॉज रेडियस ऑफ सर्कल है, ये। radius of circle है। हम कह सकते हैं देखो ये ओपी भी रेडियस है और ओ आर भी जो है हमारे पास रेडियस है अगर ये दोनों रेडियस है तो ये हमारे पास पी ओ आर जो है आइसोसैलिस हो गया मतलब कि ये साइड और ये साइड इक्वल हो गई ये साइड जब इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री होगा या फिर एंगल थ्री इज इक्वल टू एंगल वन कह सकते हैं तो एंगल वन के प्लेस पर हम एंगल थ्री को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में तो हम कह सकते हैं कि एंगल थ्री प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री ंगल ओ क्यू आर ओ क्यू आर की बात करें तो देखो ये हमारे पास ये ट्राइंगल हो गया ओ क्यू आर इसमें हम सेम उसी थ्योरम से हम कह सकते हैं सेम उसी पैटर्न से हम कह सकते हैं कि देखो ये ये भी रेडियस है हमारे पास और ओ क्यू भी रेडियस है अगर ओ आर और ओ क्यू इक्वल है तो एंगल सिक्स इज इक्वल टू एंगल फोर होगा हमारे पास तो एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल फोर हम प्लस एंगल फाइव क्या कह सकते हैं इज इक्वल टू 180 एटी डिग्री होगा ट्वाइस ऑफ एंगल फोर प्लस एंगल फाइव विल बी इक्वल टू 180 एटी डिग्री सेकेंड इक्वेशन नाम दे देते हैं तो यहां से हम अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों इक्वेशंस को एड कर देते हैं एडिंग फर्स्ट एंड

प्लस एंगल फाइव इज इक्वल टू थ्री ट्वाइस ऑफ ट्वाइस ऑफ एंगल थ्री प्लस एंगल फोर को हम क्या लिख सकते हैं उसकी बात करेंगे चलो अभी हम लिखते हैं इसको एंगल 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 ट्वाइस ऑफ प्लस विल बी इक्वल इक्वल टू किसके तीन सौ साठ डिग्री माइनस एंगल टू प्लस एंगल फाइव हो जाएगा ये इन दोनों को हम इस साइड ले तो ये माइनस हो गए ठीक है अब एंगल थ्री प्लस एंगल फोर की बात करें तो ये कंप्लीट एंगल है हमारे पास और ये कितना है पी आर क्यू है एंगल पी आर क्यू डिवाइड हो गया इज इक्वल टू अब हम बात करें एंगल देखो दूसरा एंगल यहां पर कितना आ जाएगा हमारे पास 360 माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 5 एंगल 2 प्लस एंगल 5 की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये एंगल हो गया ठीक है 360 जो है हमारे पास ये कंप्लीट जो सर्कल है वो 360 होता है तो 360 में से अगर हम बात करें कि एंगल टू और एंगल फाइव को अगर हम माइनस कर दे इस वाले पार्ट को तो हमारे पास पीओक्यू क्यू ही बचेगा तो 360 को हम 360 सौ साठ माइनस एंगल टू प्लस एंगल फाइव तो हमारे पास कितना आ जाएगा एंगल टू प्लस एंगल फाइव ही है अगर हम इसमें से अगर इसे माइनस करें तीन में से तो एंगल पीओक्यू क्यू ही बचेगा हमारे पास ठीक है तो ये जो है हमारे पास क्या आ गया एंगल मेड बाय बाय आर्क एट सेंटर और जो ये है जो हमारे पास ये एंगल कह सकते हैं ठीक है तो लेकिन ये इसका हाफ ना होकर के ट्वाइस है ट्वाइस है लेकिन हमें क्वेश्चन में तो क्या कह रहा है इज हाफ देखो हम बात करें स्टेटमेंट की तो स्टेटमेंट जो हमें गिवन है उसमें कह रहा है कि द एंगल सबसे सेंटर इज हाफ हाफ नहीं होकर के ये

आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट आप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर